नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के काम शहीदों के नाम कार्यक्रमों का धूमधाम। आजादी के 75वें वर्षगांठ को तेगरा वासियों ने अमृत महोत्सव के रूप में हर घर तिरंगा लहराने शहीदों की वीर गाथा तथा देश की आजादी की महत्ता आम लोगों तक देशभक्ति की भावना बड़े पैमाने पर विकसित करने से ने सरकारी एवं गैर सरकारी तथा सामाजिक शैक्षणिक एवं राजनीतिक तथा सोशल नेटवर्क स्तर से लगातार कार्यक्रम चलाए गए। कक्थौल पंचायत के मुखिया पंकज कुमार सानी के नेतृत्व में मोटरसाइकिल जुलूस सह तिरंगा यात्रा निकालकर पूरे पंचायत के सभी वार्डों में भ्रमण करते हुए चौक चौराहे पर नुक्कड़ सभा के माध्यम से आम लोगों में देश एवं देश के शहीद की वीर गाथा तथा देश की आजादी से जुड़े तथ्यों को आम लोगों को अवगत करवाया। मौके पर पंचायत समिति सदस्य बिंदु देवी, प्रतिनिधि बुलाय चौधरी, उप मुखिया लक्ष्मी देवी, वार्ड सदस्य विमला देवी एवं बबीता देवी, कृष्णदेव चौरसिया व मोहम्मद सलाउद्दीन के अलावे भारी संख्या में लोग शामिल हुए। वही ब्रौनी गाँव के युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकाल कर हर एक मोहल्ले का भ्रमण करते हुए लोगों को देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत किया, जिसका नेतृत्व करते हुए विकास कुमार एवं अविनाश कुमार ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता का महोत्सव है। इस यात्रा का उद्देश्य आज़ादी की लड़ाई की यादों को ताज़ा करने एवं भारत के सपनों और कर्तव्यों को देश के सामने रखकर आम लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देना तथा अपने देश के प्रति समर्पण की भावना को बढ़ावा देना है। साथ ही देश के अंदर सभी जाति एवं धर्म तथा समुदायों के बीच सामाजिक समरसता कायम करना है। मौके पर अनमोल कुमार, चीकू कुमार, शिवम कुमार, केशव कुमार के अलावे भारी संख्या में युवाओं ने भागीदारी सुनिश्चित किया। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।